नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास के अंदर। आज आप सीखेंगे ड्रॉप कैप। दोस्तों, ड्रॉप कैप होता क्या है? जैसा आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर किसी भी पैराग्राफ का पहला लेटर ये बड़ा होता है, इस तरीके से ये बड़ा है, इसे ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो इस वीडियो को चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें इंसर्ट रिबन बार में जाना पड़ेगा, और इंसर्ट रिबन बार में हमें जाना पड़ेगा टेक्स्ट ब्लॉक में, और ये चौथे नंबर पर आपको ड्रॉप कैप दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं। और इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ में जाना है, जिस पैराग्राफ के पहले लेटर को हमें ड्रॉप कैप बनाना है। तो अपना कर्सर वहाँ रखने के बाद इंसर्ट बन बार में टेक्स्ट ब्लॉक में ड्रॉप कैप पे जाएंगे। उसका दूसरा ऑप्शन ड्रॉप कैप, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो हमारा ड्रॉप कैप इस तरीके से आ गया। और ये देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये तीन लाइनों के बीच के बराबर क्या है, ये तीन लाइनें हैं, इसका साइज तीन लाइनों के बराबर है। और मैं चाहता हूँ कि ये ना पैराग्राफ के बाहर रहे, मार्जिन में, ताकि हमारा स्पेस कम यूज हो। तो यहाँ पे गए, आपने मार्जिन पे क्लिक किया तो वी बाहर की ओर आ गया, मार्जिन की ओर लेफ्ट साइड में मूव हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा रहे ड्रॉप कैप में, लेकिन ये तीन लाइनें ले रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी लाइनें बढ़ा दूँ या घटा दूँ। तो हम ड्रॉप ऑप्शन में गए लास्ट में, यहाँ पे हमने लाइन तीन चार पाँच हमने कर दी, तो ये पाँच लाइन के बराबर आ गया। हम कहते नहीं, जैसा था वैसे जाए। तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप पे गए, सबसे लास्ट में जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है इस पर क्लिक किया हमने। हमने यहाँ पर तीन लाइनें चार लाइनें कर दी। हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ से थोड़ा सा दूर रहे, तो हम अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप देते हैं, क्लिक करते हैं, देखो ये इस तरीके से गैप आ गया। हम कहते हैं कि नहीं भाई, जैसा था ये वैसे हो, तीन लाइनों के बराबर रहे और ये पैराग्राफ के पास में रहे। तो उसके लिए हमने इसका साइज़ 0.0 हमने ऐसे कर दिया। देखो दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से हमने इसे आराम से इसमें ड्रॉप कैप ऐड कर दिया, और हम चाहें तो इसे आराम से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप पे जाना और यहाँ पर जाकर नन पर क्लिक करना है, ये आपका हट जाएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।